खबर रामगढ़ से। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद और किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें, उदयपुर में मुस्लिम समुदाय द्वारा मजदूर टेलर की निर्मम हत्या के विरोध में हिंदू संगठन के लोगों और कस्बे के व्यापारियों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार घमंडी लाल को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारी और हिंदू संगठन के लोगों ने मुख्य बाजार से होते हुए जुलूस निकालकर गहलोत सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। जुलूस मुख्य बाजार से होता हुआ रामगढ़ तहसील रंगमंच पहुंचा। तहसील रंगमंच पर पहुंचकर सभा को दो संबोधित कर हनुमान चालीसा का पाठ कर दो मिनट का मौन धारण रखा। उसके पश्चात सभी लोगों ने तहसीलदार घमंडी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की थी विशेष मुस्लिम समुदाय के दो दरिंदों लोगों के द्वारा उदयपुर निवासी कन्हैयालाल साहू का सरसरियाम धड़ से अलग कर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उक्त दरिंदों ने मृतक कन्हैयालाल को 8 दिन पहले गला काट कर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी कन्हैयालाल ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन सरकार और पुलिस द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। दोनों कातिल मोहम्मद रिवाज एवं मौज मोहम्मद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दर्जी का कार्य करने वाले कन्हैयालाल ने अपने मारे जाने के डर से 6 दिन तक अपनी दुकान को बंद रखा। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद 7वें दिन अपनी दुकान खोली। उसी दिन दोनों कातिल कन्हैयालाल की दुकान पर सिलाई का नाप देने आए और नाप देने के दौरान दोनों दरिंदों ने तालिबानी तरीका अपना कर धारदार हथियार से कन्हैयालाल की धड़ से सिर काट कर हत्या कर दी। दरिंदों ने कन्हैयालाल की हत्या करने के बाद वीडियो वायरल कर दी, जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कारतूत की गई। ज्ञापन के माध्यम से दरिंदों को फांसी की सजा देने के लिए मांग की और दर्जी के परिवार को सरकार द्वारा सहायता दिलवाने की मांग भी रखी। इस मौके पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व भाजपा प्रत्याशी रामगढ़ सुखवंत सिंह ब्रह्मा मुनीष जी महाराज, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष नंदराम गुजर इत्यादि भाजपा के कार्यकर्ता व्यापारी वर्ग मौजूद थे। आज सारो समाज ने कन्हैया कुमार की जो निर्मम हत्या हुई है उसके उपलक्ष्य में रामगढ़ को पूर्ण रूप से सहइच्छा से बंद किया है और विरोध प्रकट करते हैं कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो। ये पूरा रामगढ़ में रोष है और सभी व्यापारियों में रोष है, सभी हिंदुओं में रोष है। उदयपुर की घटना से पूरा देश सहमा हुआ है। ऐसी घटना हुई है, जो ये घटना, इस घटना को लेकर आज रामगढ़ कस्बा पूर्णतः बंद रहा है। सभी हिंदू भाइयों द्वारा इस कस्बे को बंद रखा गया है, स्वेच्छा से ही बंद हुआ है, किसी पर कोई दबाव प्रेशर नहीं डाला गया, क्योंकि ये घटना इतनी निर्मम घटना है कि इससे सब दहल चुके हैं कि ऐसी घटना भी हो सकती है। तो आज ये बंद कर सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो भी हत्यारे हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए, जो कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, क्योंकि इसका एक ही, ऐसी घटनाओं का एक ही उपाय है कि सरेआम फांसी देकर अपराधियों में इतना डर हो जाए, ऐसे जो जाति कहते हैं उनमें इतना डर हो जाए कि दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। आज का जो यह बंद है, ये राजस्थान में हुई क्रूर हत्या, जघन्य हत्या, क्रूरतम अत्याचार हुआ उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर, पर्यटनों की नगरी उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर का जिस ढंग से सर धड़ अलग किया गया, ऐसे अत्याचारों के खिलाफ। पर यह अत्याचार बढ़ा क्यों? यह अत्याचार, यह नफरत, यह घृणा इसलिए बढ़ी कि देश में कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में हैं, श्री अखिलेश यादव, श्रीमती ममता बनर्जी, श्री दिग्विजय सिंह, जो भगवा को ही आतंकवाद कहते हैं, भगवा कभी आतंकवाद नहीं होता, सनातन धर्म में कभी आतंकवाद नहीं हो सकते, श्री राहुल गांधी, और राजस्थान में श्रीमान अशोक गहलोत, 2400 घंटे नफरत की आंधी। वैसे तो ये अपने पापों के कारण, अपराधों का और गिल्टी कॉन्शियस इतना झुके कि पहली बार कन्हैयालाल के मर्डर पर वहाँ पहुँचे 50 लाख रुपये दिए, आज़ादी के बाद पहला ही उदाहरण है, और दोनों बच्चों को नौकरी के लिए कहा, वरना 3-4-5 लाख देते हैं। गिल्टी कॉन्शियस है और अपराधों की जड़ों में श्रीमान अशोक गहलोत साहब हैं। क्यों है? क्योंकि राजस्थान सरकार का दिमाग भी एबसेंट और खुद भी एबसेंट, और आधा समय आज़ादी सरकार बनने के बाद
आधा समय उन्होंने बाड़ा बंदी में होटलों में बिताया और आधा समय सरकार चली। पहले ही दिन घोषणा कर दी 26 जनवरी को 2019 को कि चोरी गुटखा बंद और चोरी गुटखा अब तक चल रहा है। गांधीवादी बनते हैं, शराब बंद, शराब अब तक चल रहा है। और तो और ड्रग्स का, अफीम, गांजा, चरस का व्यापार भारी चल रहा है और चल रहा है लूट और पाट, हत्या और बलात्कार और व्यभिचार राजस्थान में। इस पर कंट्रोल नहीं है। पुलिस कुछ करना चाहती है उस पर भी कंट्रोल है, पुलिस पर भी, गहलोत साहब का। और 1700 ACB की कार्रवाई में से अभियोजन पेश नहीं किए जा रहे, उनको गिरफ्तार तो किया लेकिन केस नहीं बनाए जा रहे। ऐसे अत्याचारों का राजस्थान प्रदेश नंबर वन में बलात्कार, नंबर वन में लूट और हत्या और बलात्कार के साथ में। और यह जो जघन्य मर्डर हुआ कन्हैयालाल टेलर का उदयपुर में, उसके खिलाफ आज था रामगढ़ का बंद, श्रीरामगढ़ का बंद और उसके खिलाफ का ये प्रदर्शन। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का राजस्थान का संरक्षक हूँ और राष्ट्रीय संयोजक हमारे, राष्ट्रीय संरक्षक हमारे माननीय इंद्रेश कुमार जी राष्ट्रीय संयोजक में गुजार हैं। उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से प्रदर्शन था, धरना था। तो अलवर में वो धरना था सुबह 10 बजे से लेकर अब तक चल रहा है। मैं उसमें व्यस्त था, यहाँ रामगढ़ में लेट आ पाया, क्या पता लगा कुछ लोगों ने जुलूस निकाला और ज्ञापन दिया। सिर्फ ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, अगर वो सर काटना जानते हम भी जानते हैं। अगर जालमी लोग, जालिम लोग, जिहादी लोग सर काटना जानते हैं, हम भी काटना जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने तय किया सनातन धर्मियों ने। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।